पशुपालन एवं डेयरी विभाग करनाल के द्वारा शुक्रवार को शहर के सेक्टर 33 स्थित एचएसवीपी मैदान में एक दिवसीय जिला स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शनी प्रतिभागी पशु एवं उनके पालकों की संख्या के लिहाज से सफल रहा। इसमें 630 पशुपालक 317 पशुओं को लेकर आए। प्रदर्शनी में आए इन पशुओं की 17 कैटेगरी बनाई गई थी। विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर राजवीर वत्स के मार्गदर्शन में रिटायर्ड पशु चिकित्सकों ने इनामों के लिए उत्कृष्ट पशुओं का चयन किया और प्रथम द्वितीय व तृतीय रहे पशु के मालिकों को 3100, 2100 व 1100 रुपए की नगद राशि प्रदान की गई। सांत्वना के रूप में 500 रुपए व 200 रुपए के पुरस्कार भी दिए गए। कुल 1,05,000 रुपए की राशि इनाम के रूप में वितरित की गई। मेले में पशुपालन डेयरी विभाग से जुड़े विभागों एवं फीड व पशु दवा कंपनियों की ओर से करीब 1.5 दर्जन स्टॉल भी लगाए गए थे। प्रदर्शनी में विभाग की ओर से एक ज्ञान गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा पशुओं के रखरखाव एवं उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां पशुपालकों को दी गई। गोष्ठी में उपनिदेशक डॉक्टर राजवीर वत्स ने विभाग की ओर से लागू योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पशुपालन डेयरी विभाग हरियाणा देश में ऐसा पहला राज्य है, यहाँ गाय एवं भैंसों को गलघोटू एवं मुंह खुर बीमारी से बचाव के लिए संयुक्त टीकाकरण किया जा रहा है, जिसका दूसरा चरण लगभग पूरा हो चुका है। इससे इन बीमारियों पर रोकथाम लग सकेगी। उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु बीमा योजना के तहत बड़े पशुओं का मात्र 100 रुपए में तथा छोटे पशुओं का बीमा मात्र 25 रुपए में प्रतिवर्ष किया जाता है। इस योजना में पशु की असमय मृत्यु होने पर पशुपालक को बीमित राशि के भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। प्रीमियम सरकार वहन करती है। योजना में अनुसूचित जाति के पशुपालकों के पशुओं का बीमा निःशुल्क है। वीके सैगल रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर पशुपालन विभाग हेडक्वार्टर पंचकूला 2006। हाँ जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, आज प्रदर्शनी लगाई है, इससे क्या वो मिलता है पशुपालकों को? इस प्रदर्शनी के लगने से पशुपालकों में काफ़ी उत्साह नज़र आता है। वो अच्छे नस्ल के पशु रखते हैं जो ज़्यादा दूध देते हैं और जिससे उनकी आय बढ़ती है। धन्यवाद। इन प्रदर्शनों का जो हमारा मेन उद्देश्य होता है वो ये है कि इससे अच्छे अच्छे पशु पालने के लोगों के बीच में, पशुपालकों के बीच में भावना पैदा होती है, क्योंकि जब देखते हैं कि दूसरा पशुपालक इतना अच्छा एनिमल रखे हुए है या उसका पालन कर रहा है और यहाँ आते हैं तो उन लोगों से बातचीत करते हैं जिससे पता लगता है कि उससे इनको इतना ज्यादा फायदा हो रहा है, जिससे मंच के माध्यम से जिससे उनको के बीच भी ये भावना पैदा होती है, वो भी प्रेरित होते हैं कि भाई हम भी अच्छे पशु रखें, तो वो उनमें भी फिर एक कंपटीशन पैदा होता है और वो भी जो है अच्छे एनिमल्स वो करते हैं, अपने पास पैदा करते हैं और या अपने पास लाते हैं, खरीदते हैं। उससे क्या है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी का, नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भाई 2022 तक हमने किसानों की आय दुगुनी करनी है, तो जब पशु दूध ज्यादा देगा तो उसके जेब में उसको दूध की कीमत ज्यादा मिलेगी, दूध उससे उसकी आय बढ़ेगी और उसकी जेब में पैसा ज्यादा आएगा, तो इससे जो है पशुपालक या हमारे जो किसान भाई हैं वो खुशहाल होंगे, उनके घर में उन्नति आएगी, उनके घर में पैसा आएगा जिससे कि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सकेगा और वो अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई करवा सकते हैं, उनके जीवन को अच्छा उच्च स्तर का कर सकते हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।